आज के हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे वीवीए फंक्शंस की, और वीवीए फंक्शंस में हम सबसे पहले एक डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, चलिए उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट, क्वेश्चन ये है कि इनके पास दो डेटा है, डेटा वन और डेटा टू। राइट, तो इस तरह से डेटा लिखा हुआ है, कॉमा नाइन कॉमा इस तरह से लिखा हुआ है। राइट, इस तरह से इसमें लिखा हुआ है और यहां भी इस तरह से लिखा हुआ है। अब मुझे यहां पे मैच डेटा लेके आना है। एक एक करेक्टर मैच करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एक एक ग्रुप मैच करने की। जैसे इन दोनों में, इस दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन है सिक्स, यहां पे सिक्स सेवन एट, यही है ना। ये कॉमन है ना, तो ये कॉमन मुझे निकालना है इसमें अलग, मतलब कि मुझे ओ कॉमा कॉमा से सेग्रेट किया गया कोई वर्ड या कोई नंबर है, यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है नंबर भी हो सकता है, कोई वर्ड है कोई नंबर है, मुझे इन दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया? हाँ। सुहास जी आपको समझ में आया? हेलो सुहास जी, समझ में आया आपको? सुहास जी की आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए यहां पे हम फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस में हम यहां पे देते हैं, मैच सीक्वेंस एस की क्यू के नाम से, यहां पे आपका जी वन एज ए स्ट्रिंग कॉमा डी टू एज ए स्ट्रिंग, और इसको क्लोज करके नीचे एंटर मारते हैं। अब जो डी वन होगा यहां पे होगा, डी टू यहां पे होगा। अब सबसे पहले यहां पे ये करना है कि इसको हम कैसे स्प्लिट कैसे करें, समझ रहे हैं ना सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर वो थोड़ा प्रॉब्लम था लैपटॉप में। और एक यहां पे हमारा होगा कॉमा एस सेपरेटर, सॉरी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? समझ गया सर, समझ गया ना। यस सर, यस सर। यहाँ पे हमें कॉमा के बिहाव से अलग करना है। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन देंगे प्लीज? सीक्वेंस हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ कॉमा देंगे। यहां पे हमें ये लगाना है एरर, यहां पे एक देना है डिम एस, यहां पे एस नहीं आर, आर एज ए स्ट्रिंग, और हमें देना है कि इफ लेन, लेन में हमने बोला डी वन, क्योंकि पहले बताना वो बड़ा कौन सा है, डी वन इज ग्रेटर देन लेन, एस इक्वल टू आर, एस नहीं आर हो रहा है, आर इक्वल टू, अगर डी एन ग्रेटर देन डी टू है तो डी वन आना चाहिए, और एल्स में हमने दे दिया यहां पे, अगर बड़ा नहीं है तो यहां पे हमें दे देना है आर इक्वल टू डी टू। जो बड़ा होगा वो इस पे आ जाएगा आर के ऊपर,
यहां में मुझे स्प्लिट करना होगा, तो एक स्प्लिट नहीं स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू लेन आर, कंडीशन होगा कि इफ मिड मिड में हम यहां पे देंगे आर और देंगे आई। अब यहां पे नंबर ऑफ करेक्टर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ करेक्टर क्या है, मिड नहीं देना होगा यहां पे मुझे, पहले तो मैं काउंट करना होगा कि आखिर इसमें कॉमा है कितना, समझे। तो यहां उतने ही लूप चल रहे हैं, इसके यहां कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पे c इक्वल टू हम यहां पे लेन आर माइनस लेन रिप्लेस, एक रिप्लेस का फॉर्मूला होता है वीवीए का, ठीक है ना, वीवीए का फॉर्मूला है, जैसे एक्सेल में ये होता है ना आपका फाइन सब्स्टिट्यूट होता है, ऐसे वीवीए में रिप्लेस होता है। तो मुझे आर के अंदर कॉमा को ब्लैंक से रिप्लेस करना है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इसमें टोटल है कॉमा है कितना, समझ गए, इसमें टोटल कॉमा है कितना ये पता चल जाएगा। अब मुझे यहां पे हर एक कॉमा, मुझे ये समझिए कि मुझे इसमें से हर एक कॉमा के बाद के जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, तो सबसे पहले मुझे वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है जो कॉमा के बाद की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता है, हर कॉमा से सेपरेट कर देगा। तो यहां पे हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू सी, तो यहां पे हम सी कर दिया और यहां पे नेक्स्ट करते हैं आई। मैं इसको पहले जो बना रहा हूं मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं कैसे बनाऊं, बस मैं सोच सोच के बना रहा हूं, ठीक है सर, कि क्वेश्चन इस तरह के पहली बार आए मेरे पास। यहां पे हम देंगे इन, यहां पे एक और पी इक्वल टू इन एस टी आर, एक फॉर्मूला होता है इन एस टी आर जो कि काम करता है इससे, इसकी तरह काम करता है, फाइंड की तरह, हाँ सही, फाइंड की तरह आप मुझे सिखाए थे। हाँ, तो यहाँ पे हम देंगे आई और स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा आर, और नहीं क्या इसमें क्या फाइंड करना है, तो हमने बोला इसमें हमें कॉमा को फाइंड करना है, कॉमा नहीं एस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एस एस को फाइंड करना है।
नहीं, इसमें ये आर ही रहेगा, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एस होगा। और यहाँ भी जहाँ हमने कॉमा किया हुआ इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे एस होगा। ये क्या हुआ कि इसमें बता देगा कि इसके अंदर पहले कॉमे की कॉमा का क्या पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन बता देगा, राइट। फिर यहाँ पे हम मिड फॉर्मूला लेंगे, मिड यहाँ पे आर नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ भी के होगा और यहाँ भी हमारा के होगा, क्योंकि तो छोटे को हम फाइंड कर अलग करेंगे और बड़े में ढूंढेंगे। एनएसटीआर हमें यहाँ पे ये दे दिया, इसका अब हमें देना है मिड, एफ इक्वल टू मिड, मिड में हमने बोला, मिड में हमने यहाँ पे बोलेंगे कि स्ट्रिंग कौन सा है, स्ट्रिंग हमारा है यहाँ पे के, क्या कितने कैरेक्टर के बाद लेना है, तो P के बाद लेना है, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना है, तो P माइनस T। अब T क्या है हम बताते हैं आपको, हम नीचे हम यहाँ पे फिलहाल तो जीरो रहेगा, टी इक्वल टू पी कर देंगे ताकि पता चलेगा कि लास्ट करेक्टर कौन सा था। तो मिड में हमने दिया के पी कॉमा पी माइनस टी कर दिया हमने, और ऊपर हम टी को लॉन्ग डिफाइन कर देते हैं, देन टी एज ए लॉन्ग, ताकि जीरो हो जाएगा, कितना करेक्टर हो अलग कर ले। फिर इसमें इफ कंडीशन लगेगा कि इफ इन एस टी आर और हमें स्टार्ट हमें वन से करना है, और ढूंढना किस में है, तो ढूंढना हमें है आपके आर में, क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है एफ। अगर ए इसका रिजल्ट अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, देन मतलब कि एफ आर इक्वल टू एफ आर के साथ हम कंबाइन करते हैं कॉमा और देते हैं यहां पे एफ। मैं इसको समझाऊंगा, पहले मुझे लगाना दीजिए, इसको समझाऊंगा, और फिर यहां पे एंड इफ चलेगा, नेक्स्ट पी नेक्स्ट आई, फिर यहां पे एम एस ई क्यू इक्वल टू हम कर देंगे एफ, ऐसा तो हो जाना चाहिए लेकिन देखते कहाँ का गड़बड़ होता है, बस कॉमा कॉमा आया यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और करना है हमें, यहाँ पे गड़बड़ है, डिम एल एन
यहाँ पे एल एन इक्वल टू नहीं नहीं यहाँ पी से एल एन इक्वल टू पी यहाँ पे नहीं यही दिक्कत हो गई कि नंबर ऑफ कैरेक्टर तो पता चल गया बट यहां पे दिक्कत हो रही है कि स्टार्ट कितना से करें। अगर मैं इसको वन से स्टार्ट करने के लिए बोलता हूं तब क्या होता है, यहां पे सिर्फ 7.7 आ गया, यही गलत है। पे दिक्कत आ गया कि मिड यहाँ से डेटा लेगा तो कैसे लेगा, इसको पता चल गया कि कौन ये पी बता देगा कि हाँ भाई हमारा इतने पे कॉमा है, लेकिन उससे क्योंकि हमें बीच का डेटा लेना है ना, हमें मिड लेना है, ओके 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 हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे हम एल एन इक्वल टू यहाँ देते हैं लेफ्ट 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 में देते हैं हमारा कौन सा के कॉमा पी माइनस वन, और यहाँ पे हम एल एन कर देंगे, और एल यहाँ एल एन जो लॉन्ग किया है इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, एल एन को हटा देता हूँ पी का। अब होना चाहिए सही इसका रिजल्ट, अभी 7.7 आ रहा है क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहीं अगर फॉर्मूला बनाते समय दिक्कत हो रही है, उसके स्टेप को देखना है, तो फंक्शन को हमने फंक्शन में इसको कन्वर्ट किया। अब फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब मुझे जैसे कि यहाँ पे ऊपर में हमने डी वन इक्वल टू दे दिया रेंज ए टू, और डी टू इक्वल टू दे दिया रेंज यहाँ पे बी टू, और एस इक्वल टू दे दिया कॉमा, राइट। अब मैं इसको एफिट करता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कैसे वर्क कर रहा है। सर रेंज सर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यहाँ ई एम एस जी करता हूँ, यहाँ पे एम एस जी बॉक्स ए डी वन पे आ गया, ए डी टू पे आ गया, एस पे कॉमा आ गया। हाँ अब यहाँ पे हमने बोला कि इफ लेन 9 है और इसका डी वन डी टू का लेन डी वन डी टू आई थिंक बराबर है दोनों, ओके एंड इफ हो गया। फिर यहाँ पे हमने इसको ये किया ताकि मुझे पता चलेगा कि कॉमा कितना है, तो पता चला कि 4 कॉमा है, तो ये 4 तक चलेगा लोग।
उसके बाद पी क्या कर रहा है, इनएसटीआर है, तो इसने पी ने बताया कि पहला कॉमा दूसरे नंबर पे है। फिर एलएन ने क्या किया कि यहाँ पे सेवन अलग हो गया, हो गया। अब हमने हमने यहाँ पे बोला कि मिड एलएन, मतलब कि यहाँ जो एलएन है हमारा, एलएन वन से चले और पी टू माइनस टी जीरो, दो करेक्टर। अब यहाँ पे देखिए दो करेक्टर ले रहा है, देख रहे हैं आपको सर, दो करेक्टर नहीं, यहाँ पे एक ही करेक्टर इसको लेना चाहिए था, कॉमा को भी रीड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे माइनस वन कर दिया, तो एफ के ऊपर आ गया सेवन, क्योंकि हाँ सेवन जो है दोनों में है तो सेवन आ गया। तो सेवन के साथ हमने कंसीडर यहाँ पे इफ बोला कि अगर इन एस टी आर जो हमने ये जो रेंज हमारा आर पे है और ये हमारा सेवन है, इसमें ढूंढो मिला, मतलब कि ये आ गया, फिर एफ के साथ कंबाइन कर दो, इसने सेवन को कंबाइन कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब अगला बार लूप चलेगा, तो अब पी जो है, अब दूसरा, हाँ अब यहां जो आई हमने किया है ना ये गड़बड़ है, क्यों, फिर यहां भी टू ही दे दिया। यहां पे मुझे करना है जो हमने अभी पी कंसीडर कर रखा है, पी प्लस वन, क्योंकि मुझे ढूंढना है पहली कॉमा के बाद की वैल्यू। तो ये आपका आ गया फोर आ गया। अब इसने फोर करेक्टर अलग किया एलन से, सेवन और नाइन। एफ के ऊपर हमारा फिर यहाँ यहाँ पे देखिए एफ के ऊपर फिर सेवन आया, नहीं नहीं एलान, इसमें से मुझे चाहिए पी, मतलब कि ये आपका चौथा एक, यहाँ वन से स्टार्ट है, यहाँ वन से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ टी प्लस वन से स्टार्ट होगा, टी के ऊपर कितना है टू है, टू प्लस थ्री से स्टार्ट होगा हमारा। अब एफ के ऊपर क्या आया, नाइन आया, राइट। ये आपका यहाँ देखेंगे एलएन के ऊपर सेवन कॉमा नाइन है, तो नाइन को ढूंढ रहा है। अब इस नाइन को ढूंढेगा इसमें, तो इसको नहीं मिला तो स्किप हो गया, बट टी के ऊपर पी का जो फोर कंडीशन है वो डाल दिया। फिर वापस पी फाइंड करेगा, तो अब यहाँ पे देखिए सिक्स आया और एलएन ने देखिए सेवन नाइन सिक्स दे दिया। अब यहाँ एफ के ऊपर तीसरा कॉमा सिक्स आना चाहिए ना एफ के ऊपर, यहाँ आपको एलएन के ऊपर आ गया सेवन कॉमा नाइन सिक्स, तीसरा कॉमा सिक्स है, सिक्स आना चाहिए, देखिए सिक्स आ गया, सिक्स को ढूंढा मिल गया, सिक्स को आ गया एफ आर पे, देखिए कॉमा सेवन कॉमा सिक्स हो गया, ओके। फिर ये वापस चला और फिर इसने ढूंढा एट, अब यहाँ से एट डिजिट लेगा तो एक कॉमा एट आ गया और फिर इसने लिया एट आ गया, रिजल्ट आपका, अब आपका रिजल्ट सही आएगा। अब मैं इस कोड को उठाता हूं और नेक्स्ट आई से लेके डिक्लेरेशन तक चेंज कर देता हूं, तो इस तरह से कोड को सही किया जाता है, राइट। अब आप यहां पे कर्सर कीजिए, एंटर मारिए, सॉरी ये हमने एंड नहीं किया, यहां से एंड करना होता है, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ डबल डबल रिप्लेस रिपीट हो गया, हाँ आ गया सर सही रिजल्ट, बट एक कॉमा एक लग के आता है, तो हम यहां पे जाएंगे लगाएंगे फॉर्मूला राइट का, राइट, और हम बोलेंगे कि मुझे इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ से माइनस वन आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया है, कभी इस तरह काम किया नहीं था, सोच सोच के बनाना पड़ा, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस हो गया, आ गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ जैसे कि डी एल कॉमा एफ आर कॉमा ओ एल कॉमा आई एल, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देते हैं डी एल कॉमा वाई के कॉमा एफ आर कॉमा एल। यहाँ देखिए डी एल और एफ आर इसके रिपीटेड है, आ गया ना, समझे? अगर कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी तो एरर आएगा, क्लियर है? हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए सर। इतना डिफिकल्ट ये बना है, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसका मतलब ऐसा फंक्शन बनाने में ये यूज कहाँ पे आता है, मतलब कौन से टाइप? नहीं, बेसिकली क्या है कि जिन्होंने जिन्होंने मुझे पूछा है ना, उनके पास एक डेटा है, मतलब कि क्या हुआ है कि उनके सर्वर है, उनके 8-10 सर्वर है, तो एक ट्रांजेक्शन को दो लोगों ने यूज किया है, तो उनको ये देखना है कि उन दोनों ने कौन कौन से कॉमन सर्वर यूज किया है, सर्वर की इस तरह से कोड लगा हुआ है, समझे? हेलो। जब हम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सैप एसबोर्ड में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो उनके पास अगर गूगल का ही देख लीजिए, तो गूगल का सर्वर एक जगह नहीं, वो कई सारी जगहों पे है, एक सर्वर के साथ उसका लिंक नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सर्वर पे जम कर जाता है, बात समझे? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक सर्वर पर बैठ जाए, जैसे कि पिछले साल काफी ज्यादा बारिश हुई थी, बाढ़ आ गया था, तो बैंगलोर के और हैदराबाद के बहुत सारे आईटी सेक्टर के सर्वर थे वो पानी में डूब गए थे, क्योंकि उनकी मोस्टली सर्वर्स बेसमेंट में होती है, तो इनसे क्या हुआ, उनका पूरा डेटा ठप हो गया। बट बहुत सारे लोग कंपनी की डेटा ठप नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो एक ही डेटा हुआ कई सारे सर्वर्स पर रखती है, उनका सिस्टम ये होता है कि क्लोनिंग सिस्टम चलती रहती है, जैसे एक सर्वर को यूज किया, फिर उस एक सर्वर दूसरे सर्वर को डेटा भेज देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे था कि हमें पता करना है कि कौन दो दो सर्वर, कौन कॉमन सर्वर इस ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए गए, समझे? इसलिए यूज होता है। तो इस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट पता चल गया ना? हाँ सर, समझ में। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक आपने एक टिकट बुक किया फ्लाइट की, आपको टिकट बुक हुआ कि आपको जाना है कोलकाता से मियामी, बट ऐसा हो सकता है कोलकाता से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट ना हो, बट आपका टिकट एक ही जनरेट हुआ, टिकट के ऊपर आपके 2 या 3 पीएनआर मिल जाएंगे, एक टिकट मिलेगा कोलकाता से मुंबई का, फिर मुंबई से फिर आपको न्यूयॉर्क का या वाशिंगटन का, फिर वाशिंगटन से मियामी का, तो आपने 4 फ्लाइट यूज किए। अब ऐसा हो सकता है थोड़ी कि चारों में आपको सेम क्लास मिले, हो सकता है कि मुंबई से कोलकाता से मुंबई में आपको बिजनेस क्लास खाली था तो उसने बिजनेस क्लास कर दिया, मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए या फिर वाशिंगटन के लिए उसके पास बिजनेस क्लास नहीं, जेट क्लास था तो जेट क्लास दे दिया, तो अब आपको जो है रिटर्निंग में भी आपने ऐसा ही किया, तो कंपनी जब बिल करेगी तो बिल करते समय देखेगी कि आपने जाने आने में कौन कौन से कॉमन फ्लाइट क्लास यूज किया, समझ गए? क्लियर है? दूसरी चीज यहाँ भी और भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे कई सारे रिपीटेड हो, जैसे कि 7, 7, 7, 8, 9। अब मुझे ये भी देखना है कि भाई इसमें से कौन से नंबर रिपीट आ रहे हैं, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये चेंजिंग करनी पड़ेगी बट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम क्या है आपका, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया कि डेटा वन डेटा टू, और हमें कॉमा से सेपरेट करना, हो सकता है कॉमा की जगह पर डैश हो स्लैश हो, ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमने कंडीशन दिया कि इफ लेन डी वन इज ग्रेटर देन डी टू, डी वन से डी टू, क्योंकि मुझे छोटे से बड़े में ढूंढना है, क्या करना है, छोटे से बड़े में ढूंढना है, इसलिए राइट। तो हमें कंडीशन दे के कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है उसके लिए हमने यहाँ पे दे दिया, और दो वेरिएबल आर और के ले लिया। फिर हमने ये क्या किया कि जिसको जिसमें ढूंढना है हमें, जो छोटा वाला है
वो छोटे वाले को मैंने क्या किया कि कॉमा को काउंट कर लिया कि कितने कॉमा इसमें है, उतना बार ही मैं लूप चलाऊंगा, राइट। फिर हमने बोला इन एसटीआर तुम ढूंढो, पोजीशन ढूंढो कि कौन सा कॉमा का पोजीशन है। और जब हम इन एसटीआर लगाते थे यहाँ पे होता है स्टार्ट नंबर, तो हमने बोला कि जितना बार ढूंढ चुका उससे अगले से ढूंढना है। तो पहली बार तो पी जीरो होगा, जीरो प्लस वन मतलब कि वन से ढूंढना है क्या के। फिर जो पी आया जितना हमने ढूंढना है उस उतने डेटा उतने लेफ्ट से उतने डेटा को स्ट्रैक कर लिया। सिंपल सी बात समझिए कि जब सबसे पहले हमने इन स्टार लगा तो हमने इन स्टार में बोल दिया यहाँ पे ये फाइंड का फॉर्मूला लगा, तो फाइंड के फॉर्मूले ने इसमें ढूंढा राइट कि मुझे इसमें कॉमा करना है, कॉमा इसमें ढूंढना है। तो जो यहाँ पे हमने वन दे दिया ना ये आपका पी प्लस वन होता है, तीन ढूंढ लिया। फिर मैंने बोला कि लेफ्ट से उतना करेक्टर तुम अलग कर लो, अलग कर लिया। अब इसमें से मैंने बोला कि इक्वल मिड, हमने मिड में बोला कि इसमें आपको थ्री माइनस आपको यहाँ पे जो है पहले बार में आप देखेंगे यहाँ पे आता है मिड में टी माइनस टी प्लस वन, टी प्लस वन तो हमने टी को फिलहाल जीरो माना हुआ है, तो इक्वल किया मिड, हमने मिड बोला यहाँ पे मिड, और हमने बोला कि इसमें से मुझे जीरो प्लस वन, टी फिलहाल जीरो है ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए पी माइनस वन, मतलब कि थ्री माइनस वन, थ्री क्या है पी है ना, लिखेगा ए क्या है आपका पी है और जीरो क्या हो गया टी हो गया, समझे। तो इसने लेटर अलग कर लिया। अब यहां पे फिर मैंने बोला इन एस टी आर लगाया, बोला कि ये जो डीएल है हमारा इस पे फिर मैंने फाइन का कॉमा लगाया, बोला कि ये जो डीएल है क्या ये दूसरे वाले पे इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका रिजल्ट आया वन। तो हमने कंडीशन दिया अगर ढूंढता है तो, अगर ढूंढता है तो इसको इसको रिजल्ट में कंसीडर कर लो, देखिए एफ के ऊपर कंबाइन कर लो। फिर हमने बोला टी इक्वल टू पी, मतलब कि जीरो इक्वल टू थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये जो जीरो था, जो जीरो था हमारा यहां जीरो था ना, हो जाएगा हमारा थ्री। और यहां ये जो आपका ए यहां पे हमने जो वन दिया है, वन दिया है ना फाइंड में, ये आपका हो जाएगा थ्री प्लस वन, पी प्लस वन, थ्री प्लस वन आ गया सिक्स, अगला एफ आर आ गया, समझे कि नहीं सर। तो यहां पे ढूंढेगा और यहाँ पे वापस जो है इसमें जो इनस्टार होगा तो पी हो जाएगा, तो पी क्या था इससे पहले जो पी था टू था, तो टू प्लस वन तीन से ढूंढना स्टार्ट करेगा और फिर उतना डेटा को स्ट्रैक करेगा, फिर उसको उतने पोजीशन से उतने डिजिट को अलग करेगा। इसको एक बार आप तोड़ के लगाएंगे तब जाके समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा फंक्शन आपको। हाँ सर, बार बार थोड़ा वीडियो देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखिए, फिर हम कल की क्लास में आपके साथ आगे की चीजों में डिस्कस करेंगे आगे के फंक्शन में। ठीक है, तो अभी आपने इसमें इसमें आज आपको कलेक्शन सिखा देंगे ना। हाँ, इसमें आपने जो सीखा है सबसे पहला तो आपने यहाँ पे सीखा है इनस्टिया, उसके बाद सीखा है आपने रिप्लेस, नया फॉर्मूला है वीवीए का फॉर्मूला है, ठीक है, लेफ्ट मिड एक्सेल का फॉर्मूला, इसी को यूज कर सकते हैं। ओके।